हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, काफी स्पेशल रहने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 डेज बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर 2024 एग्जाम, जो कि अभी आपका अगस्त के एंड में होने वाला है। अगस्त सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा, अगस्त के एंड में, सितंबर के फर्स्ट वीक में। सो हाउ टू स्कोर हाई मार्क्स इन मिनिमम टाइम, किस तरीके से आपको मिनिमम टाइम में हाई मार्क्स लेकर के आने हैं। देखो गाइज, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है इस बार। बिकॉज हुआ क्या है, इस बार की जून में जो एग्जाम हुआ था 18 जून को, उसको कैंसिल कर दिया गया है, और अब जो ये एग्जाम है आपका अगस्त में कंडक्ट, अगस्त के एंड में कंडक्ट होगा, 21 अगस्त से स्टार्ट होकर के 4 सितंबर तक जाएगा। तो ऐसे में ये जो मौका मिला है ना, इसको जिन स्टूडेंट्स ने समझ लिया, उनका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, इनफैक्ट जेआरएफ कर लेंगे वो। क्यों, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जून एग्जाम में काफी अच्छे से आपने पढ़ा होगा, और अगर आपको एक मौका दे दिया जाए 2 मंथ के गैप में, 2 महीने के गैप के बाद आपको दोबारा से एग्जाम होगा, तो गाइज बिलीव मी, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बहुत अच्छा इस बार स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि वो अब जो 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है, इसमें वो किस तरीके से स्टडी करें करेंगे उस चीज उन चीजों को मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा, ताकि आप सभी लोग उन चीजों को समझ सके और आप मिनिमम टाइम में हाई स्कोर कर सके। दिस इज अबाउट मी। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो कर सकते हो। इन सभी के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। देखो गाइस, दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो वो स्टूडेंट होंगे जो जून को बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर के स्टडी कर रहे थे, और इसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना चाहते थे। एक होंगे वो स्टूडेंट जो इस सोच में थे कि हम जून वाले एग्जाम को दे तो देंगे, लेकिन हम दिसंबर, जो अपकमिंग सेशन होगा दिसंबर वाला एग्जाम, उसमें हम सीरियसली पढ़ के एग्जाम क्रैक करेंगे। तो इन दोनों ही स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छा मौका है इस एग्जाम को क्रैक करने का, क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट्स को 2 मंथ का टाइम मिल रहा है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब इस 2 मंथ के टाइम को जिसने सीरियसली ले लिया, वो तो एग्जाम क्रैक कर जाएगा, इनफैक्ट जेआरएफ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो आपका नजरिया है, उसको विनर वाला बनाना है। आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के तैयारी है, वो विनर वाली बना के चलनी है स्टार्टिंग से ही, ताकि इस 2 मंथ के गैप में जो आपको टाइम दिया गया है, इस 2 मंथ में आप इस तरीके से स्टडी कर लें ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से, ताकि आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके स्टडी करें, ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। सबसे पहली बात, देखो एग्जाम 2 मंथ का टाइम आपको दिया हुआ है, तो ऐसे में आपको आइडेंटिफाई कर लेने हैं वो स्कोरिंग सेक्शन जो कि एवरग्रीन टाइप होते हैं, जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपका 50% काम समझ लो वहीं पे हो गया। आप 50% एग्जाम क्रैक कर चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि 50% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एवरग्रीन जो टॉपिक होते हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। अगर आपने इन टॉपिक्स को काफी अच्छे से स्टडी कर ली, अच्छे से सीरियसली होकर के इन टॉपिक्स को पढ़ लिया, तो ये लगा लो कि 70 से 80% पेपर इन्हीं से बनता है। जो सदाबहार टॉपिक होते हैं, जो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, और फिर कुछ 10-20% जो है अलग नए टॉपिक पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये अच्छे से स्कोर कर लिया, तो आपकी कट ऑफ क्रॉस हो जाएगी। तो इस चीज को आपको बहुत ही सीरियसली लेना है। एवरग्रीन टॉपिक्स के अलावा, स्कोरिंग टॉप सेक्शन के अलावा, आपको चीज और ध्यान में देनी है कि जो टफ चीजें आपको लगती हैं, आप उनको भी सीरियसली सीरियस होकर के स्टडी करोगे। 2 मंथ का टाइम है, तो इस 2 मंथ 2 मंथ के टाइम में जो चीजें आपको टफ लगती है, आप उनके ऊपर भी कमांड कर सकते हो। 2 मंथ बहुत ज्यादा टाइम होता है, इनफ टाइम है आपके पास। वैसे मैं बता दूं कि पेपर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर कवर करवाया हुआ है, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। गाइस, ये सीरीज आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी। सीरीज फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो इस सीरीज का नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। इस सीरीज का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो इस सीरीज को फॉलो करके आप, अगर आपने ऑलरेडी देख ली, तो एक बार दोबारा देख लेने से आपकी रिविजन हो जाएगी अच्छे से। पॉइंट नंबर 2, मेक अ प्रॉपर शेड्यूल एंड स्ट्रिक्टली फॉलो इट। देखो गाइज, अभी 2 मंथ का टाइम है, अब इसका एक सिंगल एक 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 मिनट आपके लिए बहुत कीमती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो टाइम बचा है, यही टाइम या तो आपका एग्जाम क्रैक करवा देगा, या फिर आपको मजबूर कर देगा अगले 6 मंथ स्टडी करने के लिए। तो ये 2 मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। अगर आप इसको सीरियस होकर स्टडी कर लोगे इस 2 मंथ में, तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ फिर दोबारा से सेम एग्जाम के लिए स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। 2 मंथ में अगर सीरियस होकर स्टडी कर लोगे, तो बार बार स्टडी करने की जरूरत ही नहीं। अगर एग्जाम क्रैक हो गया, तो लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। तो इसलिए एक शेड्यूल बना लो। आप शेड्यूल का मतलब ये है कि मॉर्निंग का देख लो कि मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करो। अगर रात में लेट सोते हो, तो रात में देर तक पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि जल्दी ही उठ के स्टडी करी जाए। अगर आप रात में
10 बजे, 11, 12 बजे, 1 बजे तक पढ़ सकते हो, तो रात में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रात में बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, याद रहती है उन चीजें, तो अगर आप उन कैटेगरी से, तो कोई दिक्कत नहीं। एक शेड्यूल बना लो कि मुझे मॉर्निंग में 3 घंटे पढ़ना है, दोपहर में 3 घंटे पढ़ना है, शाम को 3 घंटे पढ़ना है, ये शेड्यूल फॉलो करो। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट शेड्यूल है। 3 3 घंटे का स्लॉट बना लो, मॉर्निंग 3, दोपहर का 3, शाम का 3। अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे तो आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर लोगे एग्जाम आने से पहले पहले ही, और इनफैक्ट रिविजन भी कर पाओगे। तो इसको इस तरीके से आप जिस भी शेड्यूल में कंफर्टेबल हो, चाहे 2 2 घंटे के स्लॉट में बना लो, दो 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 करके 4 बना लो, मॉर्निंग में 2, फिर दोपहर में 2, फिर शाम को 2, फिर रात को 2, इस तरीके से एक शेड्यूल बना सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। उस तरीके का शेड्यूल बना के आप स्टार्ट कर लो, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना, यानी शेड्यूल बना के रख लिया उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो वो चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिमिटेड स्टडी मटेरियल पर फोकस करना है, क्योंकि 2 मंथ टाइम ऐसा है कि कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लिमिटेड कंटेंट पर फोकस करना है, ये नहीं करना है कि कोर्स भी पढ़ रहे हो, नोट्स भी पढ़ रहे हो, बुक्स भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहे हो, और सब कुछ है क्या, सब कुछ सेम कंटेंट है। भाई अगर टीचिंग एप्टीट्यूड है तो उसके अंदर जो कंटेंट है, चाहे आपने कोर्स लिया हुआ है, बुक्स लिया हुआ है, ऑलमोस्ट सेम कंटेंट ही होता है। तो इसलिए सेम कंटेंट बार बार देखने इसका कोई फायदा नहीं, जब तक कि आप रिविजन ना कर रहे हो, अनलेस एंड अंटिल अगर आप रिविजन कर रहे हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप सेम चीज को 10 जगह से देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो इसलिए लिमिटेड स्टडी मटेरियल पर फोकस करिए, और मैं तो आपको यही बोलूंगा कि एवरग्रीन जो टॉपिक होते हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस करो, ताकि 70 से 80% आपका एग्जाम वहीं से बनता है और वहीं से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रॉपर रिविजन। देखो ये नहीं करना कि एग्जाम के डे तक पढ़ रहे हो, जैसे 21 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है, तो ऐसे में आपको ये नहीं करना कि 21 अगस्त तक सिलेबस आपका खत्म ही नहीं हो पाया, ये काम नहीं करना आप, ठीक है। तो इसमें नुकसान ये होगा कि जो भी आप पढ़ोगे आप भूल जाओगे, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है और एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे तो चीजें भूल जाओगे। इसलिए रिविजन करते जाओ, रिविजन का एक टाइम बना लो। या देखो मेरे अकॉर्डिंग तो 2 तरीके से रिविजन की जा सकती है। एक तो रिविजन होती है डेली वाली, जैसे मैंने जो भी आज पढ़ा, जब मैं कल पढ़ने बैठूंगा तो मैं देख लूंगा स्टार्टिंग के आधे घंटे बैठ के कि मैंने कल क्या स्टडी करी थी। तो एक तो ये तरीका है रिविजन करने का। एक तरीका ये कि आपने कंप्लीट सिलेबस फिनिश किया, उसके बाद आपने 15 दिन और दे दिए रिविजन में कंप्लीट सिलेबस को, एक तरीका ये है। तो जो भी आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग करो, लेकिन एग्जाम तक आप सिलेबस फिनिश ना करें, उससे पहले सिलेबस फिनिश कर ले। जैसे 21 अगस्त को एग्जाम है तो आप टारगेट लेके चलो कि आप 2 4 या 5 अगस्त तक आप सिलेबस फिनिश कर लेंगे, उसके बाद फिर जो भी टाइम बचेगा उसमें आप रिविजन करेंगे। तो इस तरीके से एक शेड्यूल बना लो ताकि आपका टाइम से पहले सिलेबस फिनिश हो जाए, ताकि आपको रिविजन करने का मौका मिले। रिविजन करना इतना जरूरी है जैसे एक बॉडी की सोल होती है, जैसे आत्मा होती है ना एक बॉडी की, वो आत्मा का काम करती है रिविजन। अगर आप रिविजन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं स्टडी करने का, भूल जाओगे आप, एग्जाम में इतना प्रेशर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉल्व करने आपको पीवाईक्यूज विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पीवाईक्यूज इसलिए लगाने जरूरी है, इससे आपको एवरग्रीन टॉपिक का पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए पीवाईक्यूज लगाने बहुत जरूरी है, और एक्सप्लेनेशन के साथ करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है बट टॉपिक रिपीट हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पता है उस क्वेश्चन का तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर कर पाओगे, तो इसलिए जरूरी है। इसके अलावा आप अटेम्प्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट, जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आप एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है, तो ऐसे में आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारी ऐप में 499 में आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाया हमने, मिनिमम फीस में आपको हमने मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाया हमारी ऐप में। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, ताकि आपको ये चीजें भी पता चल पाए। तो मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि आपको स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करनी है, आगे पीछे करना है, तो फिर इसलिए थोड़ा सा इजी चीजें आपके लिए हो जाती हैं जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो। पीवाई की उसके लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, वो ओसवाल की बुक है ये, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर एक्सप्लेनेशन गिवन है, और ये केवल इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आप चाहें तो ले सकते हो उसका, इस बुक को। इस बुक का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके, उस लिंक पे क्लिक करके आप लेंगे तो वहाँ पे आपको 5 से 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा एक्स्ट्रा। इसके अलावा गाइस देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नए मिलेंगे, आपको लगेगा ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है तो कैसे अटेम्प्ट करें, तो ऐसे में आपको तुक्का लगाना सीखना चाहिए। इसके मैंने वो साइंटिफिक ट्रिक आपको बताई भी, समझाई भी है, मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, देख रखे तो दोबारा देख लेना, इससे आपकी रिविजन हो जाएगी। इसके अलावा असर्स एंड रीजन के टॉपिक जो है बार बार बनते हैं एग्जाम में, तो असर्स एंड रीजन को कैसे सॉल्व किया जाए इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। इन दोनों ही वीडियो के लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, सो मेक श्योर आप इन वीडियोज को जरूर देखें, इससे आपके जो वाले टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। देखो गाइस अगर आप सीरियस हो एग्जाम को लेकर के, और अगस्त जो एग्जाम होने वाला है अगस्त के एंड में, इसको अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो इसके लिए हमने आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा दिया है मिनिमम फीस में। यहाँ पर अप्रॉक्स 2 मंथ का टाइम है, तो इसकी फीस हमने 2,999 ना रख करके सिर्फ और सिर्फ 1,499 रखी है, मतलब अप्रॉक्स 50% फीस हमने आपकी कम कर दी है, ऑफ कर दिया है। तो लैंग्वेज जो होगा यहाँ पर लेक्चर्स का इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में आपको चीजें मिल जाएंगी देखने को, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिविजन भी कर सकते हो।
सो गाइस ये जो कंटेंट मिलेगा कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड मिलेगा। मैंने इसमें कंप्लीट कंटेंट बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जैसे मैथमेटिकल बैकग्राउंड अगर आपका नहीं है तो मैथ हो गया, डीआई हो गया, बिल्कुल मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर आप दिसंबर की तैयारी करना चाहते हो तो दिसंबर का 6 मंथ का टारगेट एग्जाम टारगेटेड कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है। अभी अगर आप लेना चाहो दिसंबर वाले कोर्स, आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। आज 29 तारीख है, आज और कल 2 दिन है, 2 दिन का ऑफर और रही है, उसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है UGC10। जैसे अभी कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली आपकी रिड्यूस हो जाएगी। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा। और गाइस कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होंगे मैं आपको समझा देता हूँ। गाइस देखो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो, और हम इन सभी कोर्सेज में आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवा रहे हैं। यहाँ पर पेपर 1 है कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इस सभी के कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। सो कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट हैं इसके अंदर, इन सभी कोर्सेज के अंदर फ्री में, और पीडीएफ नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। सो गाइस करना क्या आपको, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर जाते जाते आप कॉमेंट में लिख देना कि आप येस आई कैन डू इट, अगर आप इतना लिख देते हो तो इससे क्या होता है, इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। येस आई कैन डू इट, पॉजिटिव एनर्जी आएगी इसके अंदर। आप इसको सिर्फ लिख भर देने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी आपको आगे प्रिपरेशन में हेल्प प्रिपरेशन करने में। सो येस आई कैन डू इट लिख दो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।